हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं मतलब आधे घंटे पहले उठ चुका हूँ, क्योंकि रात में लेट से सोया था, करीब 12 बज गए थे। तो अब मैं लग चुका हूँ, पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है चाय, तो वो चाय चढ़ाने के लिए मैंने डाल दिया है। और बाकी हमारे जो कुछ गेस्ट आते हैं सुबह सुबह, यानी कि कबूतर, उन्हें भी अब दाना डालने का वक्त है, तो फटाफट उन्हें दाना डालते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइस, अभी चाय वगैरह बन गया है और चाय पी रहे हैं हम लोग, और भाई साहब हमारे अखबार भी का भी मज़ा ले रहे हैं चाय के साथ। तो ये दिन की शुरुआत है, अब आगे देखते हैं दिन कैसा बीतता है। आज कॉलेज भी निकलना है, तो क्योंकि आगे छुट्टियां भी मारनी है तो कवर करना बनता है। तो यही है, बाकी 13 तारीख से आपके लिए एक बेहतरीन ब्लॉग आने वाला है, तो वेट करिए। अलीगढ़ में कॉलेज जाने के लिए निकल चुका हूँ और इससे सैटी अवेट कर रहा हूँ। देखते कितने देर में आता है, हाथ अगर कहीं दिख भी नहीं रहा है, दूर तक नहीं दिख रहा है। बाकी कॉल किया था कि बाहर आ जा, बाहर आ जा, तक आया ही नहीं, कहाँ है, देखते कितने देर में आता है। तो फाइनली गाइस, कॉलेज पहुँच चुका हूँ और बाहर तो बहुत सारे रुके हुए हैं, देख सकते हो। एक सेकेंड देखो कितनी भीड़ है। एक्चुअली वो लोग ड्रेस में नहीं है, आज का जो ड्रेस था वो हाफ टी शर्ट था, तो उसमें नहीं है, तो उन लोगों को रोका गया है। कुछ के पास आईडी कार्ड नहीं है, तो बहुत सारी इशूज़ की वजह से उन्हें बाहर रोक लिया गया है। लेकिन थोड़ी देर में एंट्री हो जाएगी, जब कुछ जब क्या कहते हैं सारे टीचर्स आके बातचीत करेंगे तो एंट्री मिल जाएगी उन्हें भी। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और अभी मेरा वक्त हो चुका है लंच का, क्योंकि आज एक्चुअली मैच भी है और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और मेरे को कॉलेज भी जाना है 3:30 के करीब में। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं पहला पारी हो जाए, देख के ही जाएँ। फिलहाल अभी लंच तैयार है और मतलब खाते हैं, फिर फटाफट भूख लगी, अभी भिंडी और आलू मतलब मिक्स करके कुछ बनाया है और रोटी है, तो ठीक है, खाते हैं फटाफट। और उसके बाद थोड़ी देर पढ़ेंगे, फिर 1:30 बजे से मैच है, उसको इंजॉय करेंगे। सो गाइज, अभी मैं निकल रहा हूँ कॉलेज के लिए, 3 बज रहा था, मतलब 17 ओवर करीब मैच भी देख लिया, तो अभी अच्छा है, मतलब 140 प्लस स्कोर है 17 ओवर में, 3 ओवर और बचे हुए हैं। तो अब फिलहाल निकलते कॉलेज के लिए और फिर रास्ते में भाई फिर ई रिक्शा, मेट्रो, दैन ई रिक्शा और उसके बाद कॉलेज, चलते फटाफट, लेट हो रहा है, नहीं तो पहुँचने में देरी हो जाएगी। तो फाइनली गाइस, हमारा कॉलेज खत्म हो चुका है और हम घर के लिए निकल रहे हैं। बस आज तो काफ़ी देर रुके कॉलेज में, कुछ मज़ा भी आया खूब, और क्लास होने के बहुत नहीं, हाँ लेकिन थोड़ी देर बहुत देर रुके ही यहाँ पे, अप्रॉक्स 2 घंटे। तो फाइनली गाइस, मैं घर आ चुका हूँ और अब बारी थी मतलब कुछ खाने की, तो खाना वाना खा लिया है और अब सोएंगे थोड़ी देर, सोने के बाद एक्चुअली देखते हैं फिर क्या करना है, शाम को क्या प्लान बनता है, अभी तो चलो सोते हैं थोड़ी देर। तो गाइस जी, मैं सो के उठ चुका हूँ और आज मैंने मतलब
आज मैच है, मेरे को याद तो था बट देखना भूल गया, तो चलो मैच देखता हूँ। मतलब क्या स्कोर होगा कुछ पता ही नहीं, चलो देखते हैं। बाकी पापा आ ही चुके हैं, चलो पापा के साथ बैठ के देखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। आज कहीं जाने का मन तो नहीं कर रहा, देखते हैं बन जाता है तो फिर ठीक ही है। तो चलो उठते हैं, फिर चश्मा कहाँ है, चलो चलते हैं। तो फाइनली गाइस इंडिया जीत चुकी है, और मतलब क्या इंटरेस्टिंग एक आखिरी मोड़ तक मैच हुआ। मतलब बारिश की वजह से रुका, लेकिन फिर क्या कहते हैं, बहुत सही मैच हुआ और फाइनली हमारी इंडिया जीत चुकी है। और अब बारी है क्या कहते हैं, देखते हैं अभी तो कुछ जो पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में आईआईटी वाले, उनका थोड़ा देख लेंगे तो वो सही होगा। लेकिन मैच का जो मजा आया है वो तो अलग ही है, मतलब अलग ही लेवल का मैच ही है। बाकी मैच ख़त्म, अब हम अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। फिर उसके बाद भाई भी कॉलेज गया, कॉलेज से आएगा, फिर देखते हैं उसके बाद क्या प्लान बनता है। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी कॉलेज से जस्ट, और थोड़ी देर पहले मतलब, और उसके बाद अभी भाई साहब ने सब कुछ बना के रेडी रखा था, तो मैं अभी अंडे फ्राई कर रहा हूँ, और अंडे फ्राई करने के बाद इसको सब्जी में कन्वर्ट करके फिर डिनर बनेगा। यही तो यही है बस, आज के लिए फटाफट खाना बना के खाना है, भूख बहुत ज़ोर से लगी है, 8 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो बनाते हैं इसको। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप बने रहिए आगे के ब्लॉग्स के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब कुछ कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाय बाय। Every single song tells me we're through.